प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलक निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ क 300 अध्याय। शीर्षक प्रचिताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परमपद लाभ। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचिताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जालजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्मा सत्य का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन और वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिति और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्मा में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने देवता असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा कि देवर्षे, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक के समस्त जीवों का अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी से आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले आध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही वायु, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्व आत्मा सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्रीहरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से यज्ञोपतियों संस्कार में एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बात याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेदा अध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से ही पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि की ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने के लिए समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी के किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का ही शास्त्र प्रसिद्ध स्वरूप है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से कभी भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट होता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः जो भगवान द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार से कार्यों की तथा उनके निमित्त होने वाले
भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। निवृत्तिगण जैसे बादल, अहंकार और प्रकाश यह क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमय शक्तियाँ कभी परम ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा को कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपने से ही अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देवधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियत्ता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों के विषयों को निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र सड़ा आदि सब प्रकार की वासनाओं से निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता के चरितार्थ को करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उनकी अनकिंचनों से अन्य आश्रा अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों से मद उन्मुक्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजन का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा को प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण हैं, उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं को भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई कृतज्ञ पुरुष थोड़ी ही देर में कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मालोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वाम्भु मनु के पुत्र उत्तान पांत के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी के आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत दुर्प्राणी उवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेममग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने के कारण उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे कि महान योगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार से उस पार पहुँचा दिया है जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का उपयुक्त कृतज्ञ सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बांधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, संगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।